ठीक है। ये साधु जी को अपने यहाँ की सब्जियाँ जो है तरोई, जो ये पीछे लगी है तरोई, उसी में से निकाल करके ये साधु जी को भेंट कर रहा हूँ। क्योंकि ये जनपद के ही नहीं, विश्व के और प्रदेश के और भारत के सबसे बड़े पर्यावरण और पशु सेवक हैं। इनसे बड़ा विश्व में कोई सेवा करने वाला नहीं हुआ है और न होगा। आप तो आज ये हमारे यहाँ आए हैं और मैं इनको उपहार स्वरूप जो है ये सब्जियाँ भेंट कर रहा हूँ। और हम ये कहना चाहेंगे कि दुनिया में हर आदमी कुछ एक अलग अलग अपना काम लेके आता है। हमारे जय सिंह सेंगर साहब खड़े हैं, आज से नहीं एक जमाना बीत गया और ये बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं, बुलाएंगे सम्मान करेंगे, बुलाएंगे सम्मान करेंगे। हमारा मतलब है कि अगर मूल्यांकन किसी व्यक्ति विशेष का करना हो तो सेंगर साहब को जरूर बुला लिया जाए। क्यों? ये गॉड गिफ्टेड है, इनको मूल्यांकन करना आता है, कौन है, क्या है, कैसे है। अब कल जो इन्होंने घोषणा किया है हमारे बारे में, वो समझिए कि हम रात में हमको ठीक से नींद नहीं आई हमारे खुशी के। तो कुल मिला करके ये अभी तो अभी और भी है तो आप इधर दिखाइए, ये इनका है, आप यहीं से दिखाइए, ये देखिए ये सब्जियाँ जो लगी है, गाय सेवा, गाय प्रेम, ये गिरी गाय है, ये गिरी है और ये देसी है, वो दुर्लभ है, आप समझ लीजिए। ये भी हमारे यहाँ गिरी बच्चा है। अच्छा। और आप समझ लीजिए ये जब तैयार होगी तो 1.5 लाख की गाय है, आप गिरी गाय, गिरी गाय। और इसका दूध जो है वो 150 रुपए जाता है और घी 6000 रुपए किलो इसका मिलता है, आप समझ लीजिए। और ये दुर्लभ गिरी गाय के मूत्र में भी सोना पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके मूत्र में और घी में, दूध में, सब में जो है स्वर्ण जो है मिश्रित है। और ये देसी गाय, अभी हमारे पास 4 गायें थी, अभी जो है चूंकि शहर का रख रखाव इसलिए 2 हटा दिया, वो भी ये अभी बच्चा वही देखा, ये हाँ ये बच्चा जो है अभी दे देगी 1-1.5 महीने में। और वो 5 महीने जी ये साधु जी ये हरी सब्जियां जो है, ये आप भिंडी है, ये आपका जो है पपीता है, वो मक्का लगा हुआ है, ये पपीते किनारे किनारे उधर बेटा पपीता का वो ले लो पूरा है, ये आ गया। और यहाँ से ये गायों के लिए हरा चारा इसमें था, ये जो है चरी थी, और इसके बाद अब चरी के बाद ये मक्का आ जाएगा, मक्का के बाद अभी फिर जो है बाजरा बुआ देंगे। 365 दिन हरा चारा खिलाते हैं साधु जी। और ये हमारे पास चरी है, आइए देखिए, अच्छा बनाती है पायनियर, ये गायों के लिए इतनी लाभकारी है। ये कदुआ है साधु जी, कद्दू है आपका, नहीं गाय के लिए कौन सा लाभकारी है, आइए मारती वारती कुछ नहीं है, लेकिन बिना जो है संपर्क के ये बहुत अच्छी गाय है, दुर्लभ गाय है, और ये देसी गाय है, और ये दूध जो है बहुत अच्छा है, इसका जो 7 लीटर दूध है देसी गाय का जी। और ये बच्चा देने वाली है अभी जी आइए, और ये गिरी गाय है, बस हो गए। अच्छा देखिए ये जो है
ये टुकड़े हो गए, ठीक है ना, और ये छोटे, ये सब चिप डालेंगे। देखिए अब इसको जो है हमने उठाया और इसको डाल दिया। आइए आप भी डालिए, लीजिए आप डालिए, हाँ डालिए, आप उसको चलिए डालिए, देखिए बड़ी बड़ी जगहों से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, तो भारी भी है, भारी भगवान ने करे कभी कहीं आग लगे बिल्कुल नहीं। और ये बेल है, ये बेल है, और ये नींबू जो है बहुत फलता है, ये गुच्छों में पड़ता है साधु, ये जंगल है, हाँ गुच्छा में बहुत बढ़िया। और ये अमरूद जो है इंदौर का है, इंदौर का बड़ा अमरूद, जैसे सेब की नुमा का होता है बड़ा सेब से, और खूब फला था आप सुन लीजिए, हर हर बार दो बार फसल आती है। ये देखिए इधर जो है, ये इधर कट गई है, ये पाइनियर जो है, ये सब दीवार के किनारे किनारे पाइनियर है। अभी अभी चूंकि बरसात है, ये तो अगर पाइनियर एक दिन हाँ लगा दिया जाए, इनके सताओं में बहुत जमीन, हाँ बिटिया इधर है जी, तो वो जो है इस तरह से ये मक्का अभी तैयार हो जाएगा। इसमें साधु जी ये लाल मरसा है, ये बड़ा लाभकारी है, थोड़ा सा हम बीज देंगे, अच्छा इसको बोइएगा कहीं, ये बड़ा लाभकारी है, हमारे पहले था जी। और इसी में ये खीरा वगैरह भी लगा है, खीरा है एक दो पौधा, पुदीना नहीं इसके अंदर इतने है हमारे यहाँ, हाँ इसकी हम बड़ी वैरायटी, हाँ भवरेश्वर में मैंने देखा, हाँ वो इस साइज का होता, हाँ कहीं आते जाते निगोहा में, हाँ आप पता लगाइए, ये पुदीना है सर, पुदीना जरूर खाया करिए, हाँ जी 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 जी। इसका बिया दे देंगे आपको, वो दीजिएगा, ये जो है अब अगर लगा दीजिएगा, लग जाएगा तो अच्छे है जी। आइए, और ये कदुआ जो है ये गर्मियों में ये पूरे साल कद्दू पूरे साल फरता है कद्दू, अच्छा जी जी जी। आइए और आइए बेटा, थोड़ा और इधर, हाँ ये जो है ये ईश्वर की देन है, ये इसमें मौसमी भी है, अच्छा, और ये जो है नींबू भी है, इसका अचार जो है बहुत अच्छा बनता है, आप समझ लीजिए, लोग ले जाते हैं इसी में। अब देखिए ये देखिए अभी टूट गई थी दाल, ये सब मौसमी है पड़ा हुआ, ठीक है। और सर ये हम समझ रहे थे कि ये माल्टा तो नहीं, नहीं नहीं माल्टा नहीं है सर, अच्छा। ये नींबू बहुत अच्छी उसका, अच्छा, है, अच्छा। और इसका अचार बहुत अच्छा बनता तो है, इसी ने मौसमी भी निकाला थी, और इसी पेड़ में जी, और इसी ने ये भी निकाला, और ये अंगूर है देखो, ये अंगूर है, इन्हीं पेड़ों को लगा हुआ है अंगूर, आओ आपके ये फाड़ा है, ये अंगूर हल्का है, ये काला अंगूर है जी, ये जो है ये आइए आइए, ये चंदन है, ये लाल चंदन, अच्छा ये हाँ ये लाल चंदन है, ये लाल वाला, हाँ लाल वाला जी, अच्छा। और इसका बीज अपने अभी तो लगा है, हाँ देखिए ये इसका पौधा अपने अभी तो लगा है, हाँ अपने यहाँ साधु जी लगाए हैं ना, ये देखिए ये पौध तैयार हो रहा है, अच्छा ये बताइए, हाँ ये इसमें खुशबू कब आएगी, खुशबू तो इसका पाउडर बनता है ना, ये इसका जो बीज होता है, हाँ हाँ बीज अभी आपको दिखाते हैं, हम ना ये तो बीज आ जाएंगे, इसमें बीज आता है, रेड कलर के छोटे छोटे जमीन में बीज पड़े रहते हैं, सब लाभ वो उगाता है अपने, अच्छा हाँ हम तो पहले तो इसकी छाल काम नहीं आती जी, छाल लकड़ी काम नहीं, नहीं लकड़ी काम आती है लकड़ी, ये देखिए नहीं सुगंध इसमें कब आएगी, सुगंध और कहाँ रहेगी, सुगंध जब इसको लाल वाला है, ये लाल वाला है, ये चंदन लगाने काम आता है, और जो है हाँ ये सूखा मतलब इसी की डाल है, हाँ, हाँ, इसको लोग हवन में प्रयोग करते हैं, हाँ, हाँ, और महक नहीं है ना, महक नहीं देखो महक तो नहीं, इसका लाल जो है ना, अच्छा इसको अगर पत्थर में घिसा जाए, हाँ घिसिए कोई दिक्कत नहीं, तो कोई घिसिए, हाँ, बस ये है कि इसको देखिए ये हवन वगैरह के लिए, हाँ, अरे इतना बड़ा जी, जी सफेद वाला था, लेकिन वो मजदूर उधर लगाए हैं सफेद वाला, और अभी देखिए एक और साधु जी वो लगा दिए रुद्राक्ष,
अच्छा हाँ अभी जी तो आदमी ने भी लगाया है इंदिरा गार्डन ये रखिए हवन वगैरह में बेटा इधर आ जाओ पता क्या ये ये कौन सा कनेर भाई ये बड़ा बड़ा ये कुछ बड़े साइज का है जी साधु जी हाँ ये साधु जी हाँ। ये नारियल का पौधा नहीं लाए थे हाँ। ये मार्केट में जो आता है हाँ। उसी से अंकुरित हुआ था अच्छा अच्छा और ये लगा दिया ये बेटा और उधर आइए ये है ये रुद्राक्ष है और ये अभी मुश्किल से 10 दिन का पौधा है और ये लीची है साधु जी ये देखिए लीची हमारे हमारे यहाँ तो काफी बड़ा होके पड़ रहा है ये लीची है आप और इधर ये किनारे में सब सब्जियाँ जो है सब लगा देते हैं हाँ ये अरुए ले जाओ पत्ते खाना हो तो ये जब कभी नहीं वो हो तो मंगा लेना यहाँ से ये अरुई है ये पूरा मोहल्ला जो है यहाँ से सब ले जाता है ये इधर बेटा करो ये अरुई है ये 12 महीना इसी तरह अब थोड़ा मजदूर डालेंगे सफाई उठाई होगी ये अमरूद ये सब इंदौरी वहाँ का है इंदौर का अमरूद ये सेब से भी मीठा है ये आप जान लीजिए ये वो है जामुन ये खूब फल अब फलेगी बड़े साइज हाँ लेकिन ये बड़े साइज में है ये बिल्कुल आप समझ लीजिए मिनी सेब की तरह ये पूरा आप समझ लीजिए हैं अब ये सेम देखिए सेम ये चढ़ गई है ये अर्ली सेम है हाँ, 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 ये अभी जैसे थोड़ा सा मौसमी होगा हाँ, हाँ, तैसे फलना शुरू हो जाएगी जी जी इस पर देखिए इस पे भी ये कटहल है सबका अर्ली सेम का बीजा जो है हाँ जी वो अपनी बात दे दीजिए हाँ दे देंगे दे देंगे जी रमो ये घुनिया पकड़ा दे दो 8-10 लकड़ी हमका पकड़ा दे ये कहा हिंदू खाती है क्या हाँ बना लो ले लो बेटा इधर इधर ले लो ये सब अरे इधर ये क्या है यहाँ लाओ यहाँ आओ बहुत बड़ा साथ अच्छा नहीं रहता नहीं नहीं बड़ा छोटा जो भी लो जो जो मन हो तो ले लो देखिए अभी ये अमरूद जो है अभी ये फसल इसकी खत्म हुई है और अभी फिर आने लगा ये इसमें ये है कि ये हमेशा फलता है आप समझ लीजिए जी अब ये सफेद मदार जो है इसको गेट के पास लगवाइए बाहर अच्छा अच्छा ठीक ये है। सफेद मदार है जहाँ का ठीक है अब सफेद मदार में गणेश जी का मूरत हाँ। अपने आप निकल आता है हम दिखाएंगे हाँ। आपको और ये देखिए ये चंदन है छोटा छोटा ये छोटा चंदन हाँ। और ये वही सफेद वाला नहीं लाल वाला है लाल वाला सफेद वाला सब्जी जी यहाँ अच्छा और वो मजदूर सफाई उफाई में वो जो है उसने वो कर दिया ये देखिए ये मछली पालन के लिए तालाब है अच्छा। यहाँ 365 दिन मछलियाँ रहती हैं अच्छा। और बरसात में अपने आप जो है निकल जाती हैं अच्छा। अब निकल गई हैं अब नई मछलियाँ पड़ेंगी नहीं तो बरसात नहीं बोल से पानी अपने सप्लाई का लगा देते हैं और उसमें रहती है देखो गड्ढा है कमल डाल जी हाँ कमल मिलता कहाँ कमल ले आएंगे कमल आपके वो तो है ये महरू में तो वो तालाब है अब नेहरू मंदिर में कमल है हाँ है हाँ। और अब जो है ये सफाई हो जाएगा और सफाई के बाद फिर जो है अब फिर मछलियाँ आ जाएंगी अच्छा। फिर इनकी ये अंजीर है साधु जी आप देखें ये अंजीर का पेड़ है हाँ। और ये बहुत मीठा अंजीर है आप समझ लीजिए अभी ये देखें ये अंजीर होगा ये देहात में अंजीर बहुत है लेकिन लोग समझते नहीं उसको काट के फेंक देते हैं जी ये देखिए ये 12 महीना मिर्च फलता है देखिए अब ये देखिए अच्छा, ये 12 महीना अच्छा, ये फलता है आप समझ लीजिए ये देखिए ये जो है ये देखिए वही है अमरूद जो है इंदौरी तो इसका बीजा कैसे हाँ बीजा मिल जाएगा आज तो हम अभी मिर्च ही दे देंगे थोड़े लाल पके हैं तो इस तरह से साधु जी पर्यावरण का आपका आप ही से हमने सीखा है ये कार्य देखिए इनका बड़प्पन देखिए इधर आइए बेटी हमेशा लाइट के सामने कैमरा नहीं होना अब देखिए इनका बड़प्पन है कि कितना लाखों रुपया इन्होंने खर्च किया होगा जीवन में पेड़ खरीदना पेड़ बांटना ये करना वो करना तरह तरह की चीज मतलब पर्यावरण से पशु सेवा से इसीलिए ये हमको इतना मानते हैं इतना जानते हैं
और आज इनका बड़प्पन है कि कह रहे हैं कि हमने आपसे सीखा है। तो यही सारी चीजें हैं, लोग सीखा है कि इन्होंने कुछ किया और करके दिखाया है। देखो वही वाला घास बता रहे हो ना, सफेद वाला। हाँ जी, ये सफेद घास, ये हमारी फोन आ रहा है, किसी का फोन आ रहा है।